अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास में बुनियादी तौर पर हम मैट्रिक्स के ऑपरेशंस का सलूशन सीखेंगे, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का क्या तरीकेकार है। लेकिन उससे पेशतर मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग नंबर्स एंड वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल एरे। इट्स एलिमेंट आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इन अनडेफिनेट ऑर्डर। यानी मैट्रिक्स नंबर्स का और वेरिएबल्स का एक अरेंजमेंट है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो इंपॉर्टेंट टर्म यूज की जाती हैं, उनमें नंबर वन नोटेशन। यानी मैट्रिक्स को हम किसी नंबर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो वेरिएबल भी हो सकता है और कोई और दीगर नंबर भी हो सकता है। उमूमी तौर पे जो इंग्लिश के अल्फाबेट हैं कैपिटल, उनके साथ उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज इक्वल टू 3-2, 1, 5। सिमिलरली बी इज इक्वल टू 1 and 2। इसमें ये जो नंबर लिखे हुए हैं 3 और -2, इसको रो कहते हैं। यानी मैट्रिक्स को हम दो तरीके से रीड कर सकते हैं, दो डायरेक्शन में रीड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वे में रीड कर सकते हैं, वर्टिकल वे में रीड कर सकते हैं। जब आप इसको हॉरिजॉन्टल वे के ऊपर रीड करेंगे 3-2 तो ये रो कहलाएगी, और जब आप इसको वर्टिकल रीड करेंगे 3-1 तो इसको कॉलम कहेंगे। यानी ये जो पैरा मैट्रिक्स है ए, इसमें 3-2 इसकी फर्स्ट रो है, सिमिलरली 1-5 इसकी सेकेंड रो है। लेकिन अगर आप इसको रीड करें वर्टिकली तो 3 और 1 ये इसका फर्स्ट कॉलम है और -2 और 5 इसका सेकेंड कॉलम है। सिमिलरली मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1-2, इट मींस इसमें 2 रोज हैं, यानी नंबर 1 ये और नंबर 2 ये 2 रोज हैं और 1 कॉलम है 1 और 2। इसके बाद सेकेंड है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 3-2-1-5, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल रीड करें तो इसमें 2 रोज हैं, 3-2 इसकी पहली रो है, 1-5 इसकी सेकेंड रो है, तो इसमें 2 रोज हैं। लेकिन अगर आप इसको वर्टिकली रीड करें तो 3-1 इसका फर्स्ट कॉलम है और 2-5 इसका सेकेंड कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज हो और 2 कॉलम्स हो, हम उनको 2x2 का मैट्रिक्स कहते हैं। लोकेशन ऑफ एलिमेंट और एंट्रीज। इफ ए इज इक्वल टू स्मॉल a11, स्मॉल a12, स्मॉल a21 एंड स्मॉल a22। जैसे कि आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये जो एलिमेंट है a11, ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो है। a11 मींस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, a12 मींस सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, सिमिलरली a21 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, सिमिलरली a22 सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। इसके बरकरार अगर हम इसको इस तरीके से रीड करें वर्टिकली, a11 मींस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, सिमिलरली a21 सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, a12 मींस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम, सिमिलरली a22 मींस सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करें। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की टाइप्स। नंबर 1 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ ए इज इक्वल टू 1√5, बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। अब जनरली आगे समझ लीजिए कि जब भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स किसी मैट्रिक के डिफरेंट होंगे तो हम उस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैट्रिक्स ए में सिंगल रो है जबकि 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, एक नंबर 1 और ये 5, 2 कॉलम दिए हुए।
तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मुख्तलिफ है, लिहाजा हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरीके से मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज हमारे पास टू है, ए बी सी डी ई एफ, और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास थ्री है, यानी ए डी बी सी बी ई और सी एफ। तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज जब भी डिफरेंट हो जाएंगे तो हम उनको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नंबर टू स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होते हैं? जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल देन द मैट्रिक्स कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए 2 4 3 5, इसमें टू रोज है 2 4 3 5 और टू कॉलम है 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इनके आपस में बराबर है, लिहाजा हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नंबर थ्री कॉलम मैट्रिक्स। अब जैसे पहले आपको बताया जा चुका है, हम मैट्रिक्स को रीड करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और वर्टिकल एक्सिस पे। अगर हम इसको वर्टिकल एक्सिस को रीड करें तो इसमें टू एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, यानी एक ही कॉलम है। इसी तरीके से मैट्रिक्स बी में सिर्फ एक कॉलम है, 3 उसका एलिमेंट है। एक्स मैट्रिक्स में एक कॉलम है, उसके एलिमेंट है 3 2 1। इसी तरीके से ये जो वाई मैट्रिक्स है इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं 5 प्लस 4, जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 9। इसी तरीके से 3 माइनस 1, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 2, और जो रिजल्ट हमारे पास होगा वो होगा 9 और 2। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो हम उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स। स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास बोर्ड पर 4 मैट्रिक्स बने हुए हैं, मैट्रिक्स 1 ए, मैट्रिक्स 2 बी, मैट्रिक्स 3 एक्स और मैट्रिक्स 4 वाई। ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 1 2, 2 एलिमेंट्स गिवन है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल वे के ऊपर रीड करना चाहें तो इसमें एक ही रॉ है 1 एंड 2। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रॉ हो हम उसको कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। सिमिलरली मैट्रिक्स बी, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 4, हम इसको 1 बाई 1 मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम इसको रीड करना चाहें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर तो इसमें हमें सिर्फ एक रॉ नजर आएगी, वो है 4, तो ये कहलाता है रॉ मैट्रिक्स। स्टूडेंट जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं हमारे पास 4 मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, उनमें फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट है 1 एंड 2। सिमिलरली मैट्रिक्स बी है जिसमें एक ही एलिमेंट है 4। एक मैट्रिक्स एक्स है जिसके एलिमेंट है 3 2 1। इसी तरीके से एक मैट्रिक्स वाई दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 5 प्लस 4 एंड 3 माइनस 2। इन मैट्रिक्स को अगर हम रीड करें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हमें एक ही रॉ नजर आएगी 1 एंड 2 1 2, ये सिर्फ एक रॉ नजर आएगी। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रॉ हो उसको हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। इसी तरीके से बी, इसमें एक रॉ है 4, एक्स जिसकी एक ही रॉ है 3 2 1। इसी तरीके से वाई मैट्रिक्स में अगर हम ऐड करें 5 और 4 को तो इसका रिजल्ट आएगा 9, 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो इसका रिजल्ट आएगा 1, यानी 9 और 1, इसमें एक ही रॉ एग्जिस्ट करती है। हम ऐसे मैट्रिक्स को जिसमें एक रॉ हो हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। नंबर 5 डायगोनल मैट्रिक्स। स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास 3 मैट्रिक्स यहां लिखे हुए हैं, मैट्रिक्स ए बी और एक्स, और तीनों मैट्रिक्स 2 बाई 2 ऑर्डर के हैं। ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, इसके एलिमेंट है 3 0 0 4। इसी तरीके से मैट्रिक्स बी जिसके एलिमेंट है 1 0 0 2 और मैट्रिक्स एक्स जिसके एलिमेंट है 8 0 0 b। अब अगर आप गौर करें इन मैट्रिक्स के ऊपर तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो दूसरा इसका डायगोनल है, अदर डायगोनल है, उसके दोनों एलिमेंट 0 है। प्रिंसिपल डायगोनल पे कुछ वैल्यूज दी हुई है। इसी तरीके से मैट्रिक्स बी में आप देखेंगे जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें वैल्यूज 1 और 2 की फॉर्म में मौजूद है जबकि अदर डायगोनल 0 है। इसी तरीके से मैट्रिक्स एक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें वैल्यूज है a एंड b और अदर डायगोनल 0 0 है। तो किसी भी 2 बाई 2 मैट्रिक्स में अगर प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज मौजूद हो जो एक जैसी ना हो, यह खास बात है,
एक जैसी नहीं होनी चाहिए हमको, और उसका जो अदर डायगोनल है वो जीरो हो, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए 3 0 0 3, मैट्रिक्स बी 4 0 0 4, और मैट्रिक्स एक्स ए 0 0 ए। अब डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में जो फर्क है आप देखेंगे वो ये है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो बिल्कुल सेम है, जो मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल बिल्कुल सेम है, 3 and 3 4 and 4 a and a। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल सेम हो यानी एक जैसा नंबर एग्जिस्ट करता हो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर 7, नल मैट्रिक्स। स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं मैट्रिक्स ए 0 0 0 0 लिखा हुआ है, मैट्रिक्स बी में एक ही एलिमेंट है 0, और मैट्रिक्स एक्स में दो एलिमेंट है 0 0। ये जो पहला मैट्रिक्स है ये 2 by 2 का मैट्रिक्स कहलाता है क्योंकि इसमें 2 रोज है, 2 कॉलम्स है। जो सेकंड मैट्रिक्स है वो 1 by 1 का मैट्रिक्स कहलाता है क्योंकि उसमें 1 रो है, 1 कॉलम है, सिंगल रो सिंगल कॉलम है। एक्स मैट्रिक्स जो है यानी जो थर्ड मैट्रिक्स है वो 1 by 2 का मैट्रिक्स कहलाता है क्योंकि उसमें सिंगल रो है जबकि कॉलम उसके 2 है, डबल कॉलम है। ये जो मैट्रिक्स ए है इसके तमाम एलिमेंट्स 0 है, इसी तरीके से मैट्रिक्स बी का एक ही एलिमेंट है वो 0 है, और मैट्रिक्स एक्स के तमाम एलिमेंट 0 है। सो किसी मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट या एलिमेंट्स अगर 0 हो जाए तो हम उसको नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये एक खास किस्म है मैट्रिक्स की, 2 by 2 मैट्रिक्स की एक खास किस्म है जिसका प्रिंसिपल डायगोनल सेम होता है और 1 के फॉर्म में होता है, इसके अलावा कोई दूसरी फॉर्म नहीं होगी, 1 0 0 1। सो 2 by 2 का मैट्रिक्स है जिसका प्रिंसिपल डायगोनल सेम होता है लेकिन शर्त है उसकी कि उसका जो नंबर है वो 1 होगा, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स की नंबर की रोज को चेंज कर दिया जाए और उनको कॉलम बना दिया जाए, या किसी मैट्रिक्स के कॉलम को चेंज करके रोज बना दिया जाए, तो ऐसे सूरत में हम उसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू 1 2, इसमें एक ही कॉलम है 1 2 जिसके एलिमेंट है 1 2। अगर हम इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं 1 2, इस कॉलम को हमने रो बना दिया, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है हम इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी के साथ, ए के ऊपर एक छोटा सा टी लिख देते हैं स्मॉल फॉर्म में, उसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरीके से ये जो मैट्रिक्स बी है इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, अगर हम इनकी रोज को कन्वर्ट करते हैं कॉलम में, देखिए 1 2 ये रो है, फर्स्ट रो है, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये सेकंड रो है 3 4, इसको कॉलम में तब्दील कर दिया। तो अगर हम रोज को कॉलम बना दें या कॉलम को रोज बना दें तो जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होता है उसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की इक्विलिटी से क्या मुराद है? मैट्रिक्स की इक्विलिटी से मुराद यह है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में एक जैसे हो जाएं या एक जैसे हो। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 4 - 3, 1 + 1, 1 × 3, 8 / 2। जब आप इस मैट्रिक्स बी को सॉल्व करेंगे तो 4 - 3 का रिजल्ट आएगा 1, विच इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट यानी सेट ए। इसी तरीके से जब आप 1 + 1 को सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 2, जो मैट्रिक्स ए के सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो के बराबर होगा। इसी तरीके से जब 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 के बराबर होगा, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर हो जाए तो हम ऐसे मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट इन तमाम काइंड्स को, ये जो मैट्रिक्स की काइंड दी हुई है इनको आप एक मरतबा फिर दोबारा पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। नेक्स्ट टाइम आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा।